दुर्भाग्य से आज विश्व में जिसे आप धर्म के रूप में जानते हैं वो बस किसी की विश्वास प्रणालियां हैं। कोई मानता है कि भगवान गोल हैं, कोई मानता है कि वो चौकोर हैं, कोई मानता है कि वो तिकोने हैं। स्थिति ऐसी ही है ना? और आपको यह समझना होगा कि अगर आप किसी ऐसी चीज में विश्वास करने लगते हैं जो भी आपके लिए हकीकत नहीं है, तो किसी और से आपका टकराव तय है, क्योंकि किसी और को किसी दूसरी चीज पर ही विश्वास होगा। नहीं नहीं, मैं अपने भगवान में विश्वास रखता हूं, पर मैं झगड़ालू नहीं हूं, मैं किसी के साथ नहीं लड़ूंगा, ये सब बस दिखावा है। अगर कोई आपको अच्छे से उकसाए तो आप लड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि आप विश्वास करते हैं कि भगवान के चार हाथ हैं। मेरा विश्वास है कि भगवान के हाथ ही नहीं है। ये दो अलग अलग धारणाएं हैं। कल आप भगवान के लिए अपने प्रेम के चलते 100 फुट ऊंची मूर्ति कोयंबटूर शहर में लगवा देते हैं। निश्चित रूप से उसके चार हाथ होंगे, पर अचानक मुझे ठेस पहुंचेगी। ये चार हाथ बहुत भद्दे लगते हैं, क्योंकि असल में भगवान के हाथ ही नहीं है, क्योंकि यही मेरा विश्वास है। तो आज रात मैं उस मूर्ति के पास जाऊंगा। आपके भगवान को नुकसान पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं है, बस उसे वैसा बनाना है जैसा वो असल में है, बिना हाथों के। तो मैं उसके चारों हाथ काट देता हूं। कल आपको कैसा लगेगा? आप मेरे हाथ काटना चाहेंगे, है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक चीज पर विश्वास करते हैं, मैं किसी और चीज पर विश्वास करता हूं। As long as people believe in something, conflict is inevitable. जब तक लोग किसी चीज में विश्वास करेंगे, टकराव होना ही है। नहीं नहीं, हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, हमारे बीच सब ठीक है, ये सब भाई भाई वाली बातें जब हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जब मैं मानता हूं कि मेरा विश्वास सही है, मैं उसे जाहिर करने की कोशिश करूंगा। मैं उसे हर जगह आम चीज बनाने की कोशिश करूंगा, है ना? हाँ, जब मुझे विश्वास हो जाता है कि मेरी धारणा ही सच है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उसे दूसरों पर थोपने की कोशिश करूंगा। मैं इसे थोपना नहीं कहता, मैं इसे आपको अज्ञानता से बचाना कहता हूं, है ना? एक बार मुझे पक्का यकीन हो जाए कि भगवान ऐसे ही हैं, तो मैं इसे आप पर लादने की कोशिश करूंगा, सिर्फ आपको बचाने के लिए, आपको दर्द देने के लिए नहीं। मगर आपको दर्द होगा, क्योंकि थोपना दर्द पैदा करता है। जब आप इसका विरोध करते हैं, मैं दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके इसे आपके अंदर भरूंगा, चाहे वो जो भी तरीके हों, तलवारों का, पैसे का, हर तरह के प्रलोभन का इस्तेमाल किया गया है ना? क्योंकि मैं एक चीज में विश्वास करता हूं, आप दूसरी में। धर्म किसी विश्वास के बारे में नहीं है। सभी धर्म शुरू हुए थे अपने अंदर की तरफ मुड़ने के तरीके के रूप में, लेकिन ये अंदर की तरफ एक कदम है। An inward step can be taken only by an individual. अंदर की तरफ कदम केवल एक व्यक्ति ही बढ़ा सकता है। ये एक बहुत ही निजी चीज है जो आपके, सिर्फ आप ही के साथ जुड़ी है, किसी और से इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर जब लोग इस आंतरिक कदम को संगठित करने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसका रूप बिगड़ जाता है। अब हम अपने धर्म को सड़कों पर करना चाहते हैं। धर्म को सड़कों पर नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ आपके अंदर किया जा सकता है। अगर आप सच में धार्मिक बन जाएं, तो आपको किसी भी तरह के टकराव से परे होना चाहिए, है ना? अंदर और बाहर दोनों। धर्म का पूरा सार यही है ना? मगर आज धर्म का मतलब है टकराव। अगर धर्म की बात आती है, तो आप आम तौर पर उस टकराव के बारे में बात करते हैं जो दुनिया में हो रहा है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने एक आंतरिक कदम को कुछ विश्वासों में बदल दिया है। क्योंकि अगर आपको अपने अंदर की तरफ कदम उठाना है, तो आपको खुद को रूपांतरित करना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज पर विश्वास करना है, तो आपको रूपांतरण की जरूरत नहीं है। आप जो चाहे बेवकूफी कर सकते हैं और मान सकते हैं कि भगवान ऊपर स्वर्ग में है ना? हाँ, धरती पर सबसे हिंसक, सबसे निर्दयी लोग हमेशा भगवान की बातें करते आए हैं, है कि नहीं? हाँ या ना? दुनिया में सभी युद्ध चाहने वाले भगवान की बात करते रहे हैं, है कि नहीं? और भगवान उनकी मदद करते रहे हैं। देखिए, जैसे ही आप किसी चीज में विश्वास करते हैं,
आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ जाता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। जब मूर्खों में बहुत आत्मविश्वास आ जाता है तो दुनिया खतरे में है। एक समझदार व्यक्ति जीवन के साथ लगातार हिचकिचाता रहता है। हर कदम पर वो सोचता है कि जो वो कर रहा है वो सही है या नहीं। मगर एक मूर्ख में पूरा आत्मविश्वास होता है और जब उसकी बेवकूफी पर भगवान का ठप्पा लग जाता है तो बस हो गया, वापस मुड़कर देखना ही नहीं। सबसे ज्यादा बेवकूफी भरी चीजें करते जाओ बिना किसी समस्या के। आपकी बुद्धि की प्रकृति ही ऐसी है कि आज अगर आप कुछ बेवकूफी भरा काम करते हैं तो आज रात आपकी बुद्धि आपको परेशान करेगी, मैंने ऐसा क्यों किया, है कि नहीं। लेकिन अगर आपकी बेवकूफी पर भगवान की मोहर लग जाए तो आपको पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। आप धरती पर सबसे बुरी चीजें कर सकते हैं और उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। गर्व महसूस करेंगे कि आप वैसे भी स्वर्ग जाने वाले हैं क्योंकि आपने ये सारी मूर्खता की। अनुभव का कोई आयाम ही नहीं है, आप बस किसी चीज पर विश्वास कर रहे हैं और आपका विश्वास कहीं ना कहीं किसी और के विश्वास से टकराएगा ही। दुनिया में लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच नहीं है, कृपया देखिए। हालांकि लोग दावा करते हैं कि ऐसा ही है, पर यह सच नहीं है। यह हमेशा एक आदमी के विश्वास और दूसरे आदमी के विश्वास का मुकाबला होता है। तो धर्म एक समस्या बन गया है क्योंकि हमने उसे बस कुछ विश्वासों तक सीमित कर दिया है। अगर यह अनुभव के स्तर पर सच होता कि आपने वाकई भगवान का अनुभव किया है तो क्या कोई टकराव हो सकता था? इसकी कोई संभावना ही नहीं है, है ना। मगर आप उस विश्वास के चलते आप उसके परे जाने की कोशिश ही नहीं करना चाहते जो आपने औरों से इकट्ठा किया है और खुद से जीवन को नहीं देखना चाहते। टकराव बस इसीलिए है। अगर आप नहीं जानते तो कोई टकराव नहीं होगा, अगर आप जानते हैं तो टकराव हो ही नहीं सकता। मगर जब आप जानने का दिखावा करते हैं तो टकराव होना तय है। दोस्तों, चाहे वो सदगुरु की बेस्ट सेलिंग बुक डेथ एंड इनसाइड स्टोरी हो या फिर वो जीवन जीने का सही तरीका बताने वाली पुस्तक चाहो और पालो, दोस्तों सदगुरु की ऐसी बेस्ट सेलिंग बुक से लेकर ऐसी हजारों पुस्तकें आपको मिलेंगी कुकू एफएम पर, जिनकी सबसे खास बात यह है कि आप इन पुस्तकों को हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती जैसी अपने लोकल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, चाहे आप सुबह योगा कर रहे हो, रास्ते में हो या फिर आराम फरमा रहे हो। दोस्तों, इतना सब कुछ आपको मिलता है कुकू एफएम की तरफ से दिन के सिर्फ ₹1 से भी कम दाम पर। साथ में होली के पावन अवसर पर कुकू एफएम माई ज्ञानालय के साथ मिलकर लाया है एक शानदार ऑफर, जिसमें आप दिखाए गए प्रोमो कोड होली50 की मदद से पा सकते हैं पूरे 50% का डिस्काउंट। लेकिन ध्यान रखें, यह ऑफर सिर्फ 12 मार्च से 20 मार्च तक के लिए है। तो अगर आप अपने जीवन में एक नया और सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर जाएं और डाउनलोड करें पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप कुकू एफएम। सुने कभी भी कहीं भी।